अक्षय कुमार के साथ दो दो हाथ करते नजर आएंगे संजय दत्त। नमस्कार, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग में काफी व्यस्त हैं। 26 अक्टूबर को अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। इसमें उसके बाद सूर्यवंशी, लक्ष्मी बम, गुड न्यूज, बच्चन पांडे जैसी बड़ी फिल्मों में दिखाई देंगे। इसी बीच अक्षय कुमार को एक बड़ी फिल्म और मिली है जिसका नाम पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज फिल्म में अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म को चंद्र प्रकाश त्रिवेदी डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई कि फिल्म में संजय दत्त भी नजर आएंगे। मीडिया की खबर के मुताबिक संजय दत्त इस फिल्म में मोहम्मद गोरी के किरदार में नजर आएंगे। खबरों के अनुसार पृथ्वीराज फिल्म में अक्षय कुमार दिग्गज एक्टर संजय दत्त से भिड़ते हुए नजर आएंगे। फिल्म में संजय दत्त मोहम्मद गोरी का किरदार निभाएंगे क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन में मोहम्मद गोरी से जंग लड़ी थी। यदि फिल्म में संजय दत्त मोहम्मद गोरी के किरदार में नजर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि फैंस को एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगा, लेकिन इस बारे में किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। खबरों के मुताबिक बताया गया कि पृथ्वीराज फिल्म में पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में क्या क्या रणनीतिक गलतियां की हैं और कैसे कैसे उस समय का समाज जातियों में विभाजित था। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इस फिल्म की शूटिंग मुंबई और राजस्थान में की जाएगी। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वीराज फिल्म को यशराज बैनर के तले बनाया जाएगा और संजय दत्त इसी बैनर की फिल्म कलंक में शमशेरा के किरदार से भी सभी को अपना दीवाना बना दिया था। इसी कारण फिल्म मेकर्स का मानना है संजय दत्त को पृथ्वीराज फिल्म में मोहम्मद गोरी का किरदार आसानी से निभा सकते हैं।